इधर जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जेएनयू कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र नए नियम का यहाँ विरोध कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं पांच आपको अलग अलग, जिसमें किस तरीके से हंगामे की तस्वीर सामने आई। बैरिकेडिंग तोड़ दी छात्रों ने और उसके बाद पुलिस से भी छात्रों की झड़प की तस्वीरें सामने आई है। कैंपस में मार्च हुआ, लगातार फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं छात्रों ने। कैंपस परिसर में पहले मार्च निकाला और उसके बाद पुलिस से भी झड़प की तस्वीरें आई हैं। जेएनयू में हुए बवाल पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं हमारे संवाददाता हर्षा की। नए हॉस्टल नियमों को लेकर के जेएनयू के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वसंत कुंज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है जेएनयू के बाहर, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ है, इतनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस बल है, आप सब स्टूडेंट भारी संख्या में। हॉस्टल के क्या वो नियम है जिसके अगेंस्ट आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जहाँ तक कि जो पुराना नियम कहता है कि उस नियम की ना सर, हमारे हॉस्टल में कोई भी एंट्री की टाइमिंग नहीं होती थी, हम लोग 24 घंटे स्वतंत्र थे। और दूसरी बात की जो फी हाइक है, सबसे मेन मुद्दा है फी हाइक, कि जहां आज हम लोग अपने कैंपस में रहने के लिए 283 रुपये एडमिशन फ़ी दे रहे हैं। पहली बात कि हमारे एडमिशन फ़ी को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा कि जो हॉस्टल में रहने के लिए हम लोग पहले 1400 रुपये 6 महीने के पे करते थे, आज उसको हम बढ़ाकर करीब 10,000 रुपये किया जा रहा है। और अभी हम लोग हॉस्टल में रहने खाने के लिए 2000 से 2200 रुपये पर मंथ देते हैं, और जो नए सरकार के हिसाब से ये करीब 8 से 9 हज़ार रुपये होने जा रहा है। पॉइंट ये कि हम लोग किसी भी तरह पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज से 4-5 दिन पहले वसंत कुंज थाने में कंप्लेंट भी फाइल की है, पुलिस कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं करती है। यहाँ पे जब स्टूडेंट, जब आप वीसी है, उनकी ड्यूटी है कि यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना, वो आते नहीं है, रिप्लाई करते नहीं है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई नहीं किया है, और जब आपने फीस इतनी बढ़ा दी है कि अगर एक स्टूडेंट जिसकी फैमिली इनकम 12,000 रुपये है, क्या वो 7,000 रुपये पे कर सकती है उसकी फैमिली? लेकिन आप देख सकते हैं पूरा एरिया एक तरह से छावनी बना हुआ है। स्टूडेंट्स किस तरह से यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैरिकेड पास करके उन्हें जाने दिया जाए, थोड़ी दूर तक जाने दिया जाए, जो एरिया यहाँ से कुछ मीटर की डिस्टेंस पर ही है। और आप नज़ारा देख सकते हैं इस पूरे एरिया का, यहाँ पे पुलिस ऑफिशल्स भारी संख्या में आपको तैनात नजर आएंगे। और यही मंजर है वसंत कुंज का, यही मंजर है यहाँ पे जो वसंत कुंज में कॉन्वोकेशन होने से थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया है। और फी हाइक मेन मुद्दा है, मेन रीजन है, जिसको चल करके शुक्रवार से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे, स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वसंत कुंज से वीडियो जो संदीप के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज़ नेशन।